इंदौर में रहकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली एक छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग निवासी 29 वर्ष युवती ने चंद्रभान उर्फ सागर पवार निवासी सागर के खिलाफ आईपीसी धारा 376, 313 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है। करीब 2 साल पूर्व एक दोस्त के माध्यम से सागर से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने दोस्ती की और शादी का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि शादी के बाद दोनों अच्छे से रहेंगे। इस वर्ष अप्रैल में टावर चौराहे के पास एक रूम ले लिया और दोनों साथ में रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने छात्रा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक हॉस्टल में एक बच्ची पढ़ाई कर रही थी, जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान एक सागर के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती में उस लड़के ने उसको बताया कि वो अविवाहित है तथा इससे शादी करना चाहता है और झांसा देकर उससे संबंध बनाए। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको गर्भ निरोधक गोली देकर गर्भपात करवाया और कहा कि इसके बाद शादी कर लेगा। और जैसे ही गर्भपात करवाने के बाद वो लड़का गायब हुआ। लड़की ने उससे फ़ोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वो विवाहित है और इससे शादी नहीं करेगा। तो इस संबंध में कल पीड़िता हमारे पास आई थी, उसकी रिपोर्ट पर हमने सागर के एक लड़के के खिलाफ धारा 376 2N 506 और 313 IPC के तहत मामला कायम किया। सागर का रहने वाला है, यह पढ़ाई करता था। वो भी आरोपी पीड़िता के गांव भी गया और पीड़िता के परिजनों को आश्वासित किया कि वह शादी करेगा। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने कहा कि अब जल्द ही शादी करना पड़ेगी। आरोपी ने गर्भपात की गोली खिलाई और कहा यह टॉनिक है। पीड़िता का गर्भपात हुआ तो उसे शक हुआ। इसके बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और धमकाते हुए कहा कि वह पूर्व में ही शादीशुदा है, उसकी जैसी कई लड़कियों से संबंध है, वह शादी नहीं करेगा। सोमवार को पीड़िता थाने पहुंची और आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करवा दिया।